हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार, आज की ऑनलाइन क्लास वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज भाई हम क्लास सिक्स में साइंस में लेसन नंबर 5 जो है बोलने दो सजीव एवं निर्जीव वस्तु, इनको लेकर के आज हम इस चैप्टर में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो भाई, व्हाट इज दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि ये सजीव और निर्जीव क्या है? सजीव और निर्जीव क्या है? अभी तुम जाओ अपने कहीं पर घर पर रहते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो आपने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो चलती हैं, ठीक है, काम भी करती हैं। काम के साथ साथ जैसे आप कहीं कई साल पहले अपने नानी के घर भी गए होंगे तो वहाँ कोई पौधा देखा होगा, आप कई साल बाद जाकर देखोगे तो पौधा कुछ बड़ा हो गया होगा, यानी कुछ वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। तो जैसे सबसे पहले बात कर रहा हूँ लिविंग की, यानी कि सजीव। सजीव बोलने तो लिविंग, लिविंग क्या है, यानी कि सजीव। सजीव वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी भी परिभाषा कर सकते हैं। तो भाई एक छोटी सी परिभाषा याद रखो, क्या कि वे वस्तु जो जैव क्रियाएं करती है, वे वस्तु में जो सभी जैव क्रियाएं करती हैं वो क्या कहलाती है, सजीव वस्तु में कहलाती है। जैसे मैं बात करूंगा सजीव की, सजीव को लेकर अगर हम बात कर दूसरे हैं तो नंबर एक पर मनुष्य, ये भी क्या है, सजीव, ठीक। दूसरे पर अगर बात करूंगे पेड़ पौधे, क्या है, सजीव। तीसरे पर अगर मैं बात कर दूं तो सूक्ष्म जीव, ये भी क्या है, सजीव, ठीक। अब बात आई है सजीव किस प्रकार से, तो मैंने बोला कि जो वस्तु है जो सभी जैव क्रियाएं करती है वो क्या कहलाती है, सजीव वस्तु कहलाती है। अब ये जैव क्रियाएं क्या है, अभी तुमने देखा होगा कि जैसे मनुष्य होता है, छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है और बड़ा होता है, यानी कि पहले शिशु होता है, शिशु से फिर आगे वस्तु क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, बड़ा होता है। ये क्या क्या है क्रिया, ठीक है ना। अब तुमने देखा होगा कि जब मनुष्य खाना खाता है तो उससे भी क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा को भाई किस प्रकार मिलती है वो देखेंगे आप, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर दूं श्वसन, श्वसन मतलब समझ रहे, मनुष्य जो है सांस लेता भी है और सांस छोड़ता भी है। अगर बोलना कि कौन सी सांस को लेता है कौन सी करता है, तो भाई जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है जबकि ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब बात आएगी श्वसन को करता है, तो श्वसन करने का मुख्य कारण है कि मनुष्य भोजन जो होता है उसे ग्रहण करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है कौन, ऑक्सीजन। भोजन का ऑक्सीकरण करती है ऑक्सीजन, क्योंकि भोजन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज प्राप्त होता है तो C6H4O6, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है। और जब ग्लूकोज का भाई तुमने श्वसन किया तो हमारे अंदर ऑक्सीजन गई, उससे क्या करेगी, क्रिया करेगी। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होगा तो भाई यहाँ से CO2 मुक्त हो जाएगी और कुछ जल निकलेगा और हमें मिलेगी यहाँ से क्या भाई, ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। बट इतना याद रखना कि जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में मिलती है, किसके रूप में मिलती है, ATP। व्हाट इज दिस ATP, क्या है ये, ATP जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तुमने देखा भोजन ग्रहण की आवश्यकता है, भोजन ग्रहण करके भोजन जो था तो किसमें टूट गया, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो हमारे वायुमंडल से जो मनुष्य है
जब वो इस ग्लूकोज से या कंटेंट में इस ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करेगी, जब क्रिया करेगी तब ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करती है तो CO2 यानी कि जो बनती है वो अंदर चला जाती है, बाहर निकल दी जाती है और जल और हमें मिल जाती है क्या ऊर्जा। तो इस बात का कि क्या बैलेंस है, ये नहीं बैलेंस तो नहीं है, तो क्या करें यहां पर सिक्स लगा दें हो जाएगा छह कार्बन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है नहीं। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बार है तो यहाँ पर कितने बार है छह, हाइड्रोजन बार है तो ऑक्सीजन कितने हैं छह है और दो आठ, जब दो बार कितने छह दो बार है बार है छह अठारह है, तो यहाँ पर कितने से कट गए छह से छह दो बार है तो छह अठारह अपने आप में बैलेंस है, ठीक है नहीं। तो ये क्रिया है क्या है, इसी से हम ऊर्जा मिलेगी तो हम कह सकते हैं जो होगा ये भोजन था उससे तो हमें ऊर्जा मिल गई। अब भोजन जब खा लिया है तो भाई ऐसा तो है ना, जो भोजन खाया सभी का सभी शरीर के लिए ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए नहीं, कुछ जो होता है वो खराब भी बच जाता है, अपशिष्ट भी बच जाता है। तो भाई अपशिष्ट भी बचेगा तो अपशिष्ट बचेगा नहीं तो अपशिष्ट को बाहर भी निकाला जाएगा, अपशिष्ट को क्या करा जाएगा बाहर भी निकाला जाएगा। उत्सर्जन, अब ये उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है तो भाई उत्सर्जन में जितना भोजन ग्रहण किया था उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचे थे, हमने जो भोजन ग्रहण किया था उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बचे थे ऐसे मल मूत्र और पसीना, मल मूत्र और पसीना इसी को बाहर निकालना, इसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। उत्सर्जन यानी मैं बोल दूं उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हैं तो मल है, मूत्र है और पसीना है, ये क्या है तुम्हारे अपशिष्ट पदार्थ है। अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो बॉडी के अंदर ये इंफेक्शन फैलाएंगे, यानी इनका बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। उत्सर्जन की जो क्रिया है वो कभी सजीवों में होती है, निर्जीवों में कोई उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। पोषण की जो क्रिया है सजीवों में होती है, निर्जीवों में कोई पोषण की क्रिया नहीं होती है। बात करते हैं श्वसन है, श्वसन की जो क्रिया है वो कौन सी सजीवों में होती है निर्जीवों में नहीं होती है। तुमने देखा होगा कि जैसे मनुष्य है श्वसन करता है, क्या करता है श्वसन करता है, श्वसन मतलब समझ रहे हो कि मनुष्य जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और भोजन को क्या करता है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण करता है, जब उसका ऑक्सीकरण होता है भोजन में तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बाहर निकालता है, ये क्रिया क्या कहलाती है श्वसन कहलाती है। लेकिन श्वसन की क्रिया है वो ओनली लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती। तो ये मनुष्य की क्या थी क्रिया थी। मैं बात करता हूँ पेड़ पौधों के, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, क्या ये सजीव है। तुमने देखा कि मनुष्य तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, है? यानी कि सभी क्रियाएं कर रहा है, बट ये पेड़ पौधे जो हैं वो एक स्थान पर स्थित रहकर कि इन्हें सजीव की बारी माना जाता है। बट कैसे, जैसे मैं बात कर दूँ कि फोटो सिंथेसिस इसके अंदर होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पेड़ पौधों के अंदर हमें देखने को मिलती है। जैसे एक गमला लिया है मैंने और इसमें एक फूल है, ठीक है नहीं, एक इसमें पेड़ लगा दिया है और इस पेड़ पर क्या है भाई लीफ है, इसकी पत्ती है, आप तुम देखोगे कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, एक जगह ही स्थिर रहकर इन्हें सजीव क्यों कहा गया। देखा होगा कि किसान जो होता है जमीन में क्या करता है बीज को बोता है, ठीक है नहीं, बीज बोता है फसल होती है, फसल होने के साथ साथ उस पर बालियां भी आती है, ठीक है नहीं, तो बालियां आती है तो फिर हमें बीज प्राप्त होता है, फिर उसे मतलब बोता है प्राप्त होता है उसका, ये क्रिया बार बार चलती रहती है, यानी पहले बीज का बीज से छोटा पौधा बना उससे और बड़ा बना उससे
कोई गलती नहीं होती। अब देखो एक क्रिया और देखते हैं हम इसकी भाई, जैसे गमला है और गमले में मैंने लगा दिया एक पेड़ और इसका रंग नहीं, तो ये क्या करता है, जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलता है और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, ठीक है नहीं, वायुमंडल से क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब क्रिया करती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब क्रिया करती है तो वहां से ऑक्सीजन मुक्त होती है, क्या होता है वहां से ऑक्सीजन मुक्त होती है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया जो कहलाती है क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। मैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया को इसी के द्वारा मैं दर्शा दूं तो देखेंगे, जैसे CO2 क्या भाई, CO2 यहाँ ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि यहाँ हमने मनुष्य की बात की थी, मनुष्य जो करता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ठीक है नहीं, जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ये जल जो होता है इन्हें जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है नहीं, और जो जल जो है और ये जो क्रिया होती है भाई वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और एक चीज और होती है हमारी क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल, और जब ये क्रिया करते हैं तो यहां से प्राप्त होता है C6H5O6 और बाहर निकलती है O2, ठीक है नहीं, और जल। देखो इस क्रिया को, ये जो अभी क्रिया यहाँ दिखी गई है, ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है, समीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, तुमने सिक्स में पढ़ी से सेवन में भी पढ़ोगे, ये तुम्हारा टेन जब तक पढ़ोगे ये तुम आगे के लिए मिलती जाएगी। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ पौधे से ग्रहण कर सकते हैं, ये पेड़ पौधे जो है, यहाँ तो सिर्फ हिसाब से बात हुई थी, मनुष्य था उसने भी क्या करा, भोजन को पेड़ पौधे से प्राप्त किया और उससे ग्लूकोज प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन से वायुमंडल से ग्रहण किया, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में प्राप्त हो, ठीक। पर बात आई पेड़ पौधों पर, उस पर बात आई पेड़ पौधों पर ही किसके लिए है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है ना, तो भी पेड़ पौधे जो क्रिया करते हैं प्रकार संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने वायुमंडल से कहाँ से प्राप्त की, वायुमंडल से, H2O जो है वो भी जमीन के द्वारा है जड़ों में आया, घर से ऊपर की ओर मतलब पत्तियों तक जल पहुंचा। अभी मैंने बताया था कि किसके द्वारा पहुंचता है, तो ऊतक काम करता है टिश्यू, वो है हमारा जाइलम, क्या है जाइलम, इसके द्वारा जल पत्ती तक पहुंचाया जाता है, और मैं बात कर रही हूँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य से इसे प्राप्त हो जाता है, ठीक। बात आई क्लोरोफिल, जो कि पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उसमें उपस्थित होता है, ठीक। अब ये जो क्रिया होती है फिर तो वहां जाकर के हमें ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इनके लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ, ऑक्सीजन क्या है इनके लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं और वायुमंडल में से छोड़ देते हैं, जिससे मनुष्य जो है क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब तुमने देखा होगा भाई कि ये क्रिया ऐसी हो जाती है, तुमने बता दिया नहीं ऐसी नहीं होती, तुमने पेड़ पौधों की पत्ती देखी, पत्ती को तोड़ करके देखो या पेड़ पर ही लगी हुई देखो, तो उसे जब आप पलट कर देखते हो तो कुछ इस तरीके से पत्ती होती है हमारी, पत्ती होती है भाई, इसमें तुमने देखा होगा बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, नहीं सबने देखा होगा बेटे, हाँ देखें ये जो छिद्र हैं इनका क्या कार्य है, इन्हें बोला क्या जाता है, ये है क्या, तो भाई इन्हें बोला जाता है क्या, रंग, क्या बोला जाता है बेटे, रंग। अभी रंग का कार्य क्या है, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का क्या करते हैं, ये आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना,
नदी के द्वारा नहीं, जो वायुमंडल से एक कार्बन डाइऑक्साइड आती है नदी के द्वारा आती है और ऑक्सीजन नदी के द्वारा जो होती है मुक्त होती है। तो रंध्र का भी एक मुख्य कार्य है अपने आप में है, ठीक है। मैंने बात कर दी एक चीज और होती है इसमें, जिसे बोला मैंने क्लोरोफिल, क्या था क्लोरोफिल, ये पत्तियों में भी मौजूद होता है, तुम कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर क्लोरोफिल है या नहीं। तो जब जो पत्ती हरे कलर की होगी उसके अंदर समझ जाना कि इसके अंदर क्लोरोफिल है, यानी कि हरे पत्तियों में ही निकास संश्लेषण की क्रिया होती है। सूखी पत्तियों में कभी भोजन बनते हुए देखा गया पेड़ का नहीं, क्योंकि वो पत्ती अगर सूख जाती है तो पेड़ से क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें निकास संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसका अलावा भी एक प्रैक्टिकल और तुमने अगर एक गमला लो, ठीक है नहीं, अब गमले में पौधा लगा हुआ, क्या लगा हुआ है पौधा, अब पौधा भी लगा हुआ है और मैंने उसकी एक लीफ को किसी से ढक दिया, ढक दिया, अब ढक दिया बाकी लीफ को मैंने खुले में छोड़ दिया, तो बाकी लीफ क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और भोजन अपना बनाती है, ठीक है नहीं। और जो मैंने लीफ ढकी थी वो भी फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है नहीं, यानी प्रकाश संश्लेषण करेगी, तो कुछ देर बाद जब लीफ पर ऊपर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद आ जाती है, क्या जाती है पानी की बूंद, तो इससे हम कह सकते हैं कि इस क्रिया में जल भी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। साहब तो हम कह सकते हैं कि सजीवों में क्या होती है, जैव क्रिया होती है और जैव क्रिया जो चलाचल भी होती है, लेकिन चलती भी है, जैसे चलना है उठना बैठना है दौड़ना, ये तो मनुष्य करता है, जबकि पेड़ जो पौधे होते हैं वो एक जगह इससे जाकर भी लिविंग वस्तु कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूंगा भाई इसकी नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, तो भी नॉन लिविंग मैंने कहा इसमें सभी क्रियाएं मिट्टी पर हुई हैं, इसलिए लिविंग की अपेक्षा। तो लिविंग में कौन कौन सी क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया भी हो रही है, उत्सर्जन की भी हो रही है, उन्हें भोजन की आवश्यकता की थी, ठीक है नहीं, और भोजन के साथ साथ उनमें आई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं उपयोग की जा रही थी। जबकि लिविंग को अगर मैं बांट दूं से तो जैसे कौन कौन सी होती है भाई, जैसे कार है, पेन है और किताब है, क्या है किताब, ठीक क्या है सर, नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं इसे परिभाषित करूँ निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती, वे सभी वस्तुएं जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं क्या कहलाती है, वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जैव क्रिया का मतलब समझ लेना, इनमें उत्सर्जन नहीं होगा, ना ही श्वसन होगा, ना ही जल की आवश्यकता होगी, ना ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब बात आई क्या है भाई, हमने तो ट्रेन भी देखी है, कार भी देखी है, ये तो दौड़ती है, हमने कहा था कि दौड़ने वाली सभी होती है, मैंने कहा उसमें वृद्धि नहीं हो
किताब है वो भी एक निर्जीव है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एक ही मकसद है हमारा पूरा कि जैविक क्रिया जिसमें होंगी वो लिविंग, जिसमें नहीं होंगी वो नॉन लिविंग, ठीक है ना। और जैसे मैं एग्जांपल के साथ कर रहा हूं, जैसे और क्या बताऊं इसके बारे में, जैसे सजीवों में नहीं उत्सर्जन होता है, निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है ना। सजीवों में सजीव जो पोषण करते हैं, निर्जीव जो पोषण नहीं करते हैं, ठीक है ना। बात करूं कि सजीवों के अंदर आंतरिक ऊर्जा का अभाव होता है, जबकि निर्जीव होते हैं वो बाह्य ऊर्जा से चलते हैं। जैसे कार की बात करें तो कार में क्या चलने लगी क्या नहीं, इसे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी तब ये चलेगी, ठीक है ना। और इनके अंदर जो है निर्जीव के अंदर संवेदना नहीं होती है, जबकि सजीवों के अंदर संवेदना होती है। और बात करूं कि सजीवों के अंदर प्रजनन की क्षमता होती है, निर्जीवों के अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। बाकी प्रजनन क्या है, जिन्हें समझ लेना, अपने जैसी जाति को निरंतर बनाए रखना, यानी कि अपने जैसी जाति को पैदा करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। जैसे तुमने देखा होगा अपने घर में पास जो कुत्ता आया है ऐसा, तो ये क्या कहते हैं, अपनी जैसी जाति को बनाने के लिए, निरंतर आगे वंश बढ़ाने के लिए अपनी एक संतति उत्पन्न करते हैं, यानी अपने संतान को क्या करते हैं, पैदा करती है, क्रिया प्रजनन कहलाती है। ये प्रजनन की क्रिया है वो सजीवों में देखने को मिलती है, निर्जीवों में नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये आज का जो चैप्टर था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग वस्तु, आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को एक बार पुश करके देखें, दोबारा देखें, फिर करके देखें, ठीक है ना। इसके बाद इसमें अगर कोई नई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके नोट्स हैं PDF में वो आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी और लिंक में भी दे दी जाएगी। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।